नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। यूपी में अब घूसखोरों की खैर नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार फिर भी कम नहीं। कुछ ऐसा ही चल रहा है। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली मोदी योगी सरकार में, या यूं कहें जो जो दवा दी त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। यह सच है कि योगी सरकार में विजिलेंस की टीम सूबे में धड़ाधड़ घूसखोरों को रंगे हाथ पकड़ने का तेजी से अभियान चलाए हुए है। शायद ही कोई दिन बीतता हो जब घूसखोर पकड़े जाने की खबर सुर्खियां न बनती हो, मगर घूसखोर पकड़े जाने के बावजूद क्या सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, यह बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और इसको तब बल मिलता है जब विजिलेंस की टीम के रंगे हाथ घूसखोरों के पकड़े जाने का दौर और भी तेज होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि भ्रष्टाचारी रूपी मछलियों का पकड़ा जाना तो जारी है, लेकिन भ्रष्टाचारी रूपी मगरमच्छ को पकड़ने का साहस विजिलेंस टीम शायद जुटा नहीं पा रही है। जैसे कि लेखपाल पकड़ा जाता है, कानून को पकड़े जाते हैं, बाबू पकड़ा जाता है, ABSA पकड़े जाते हैं, EO पकड़े जाते हैं, JEE पकड़े जाते हैं, मगर इनके मुखिया पर नज़र रखने तक की ज़रूरत नहीं समझी जाती है। जवाब तलब करना तो दूर की बात रही। कायदे से उस विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों अधिकारियों की जांच कराई जानी चाहिए और आम जन से उनकी कार्यशैली के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तभी तो भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही है वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में विजिलेंस टीम की छापामार और धरपकड़ की कार्रवाई दिनों दिन तेज होती जा रही है। प्रदेश में पिछले दिनों जो घूसखोर रंगे हाथ पकड़े गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी दें, इससे पहले राजधानी से सटे सीतापुर जनपद के पकड़े गए घूसखोरों का भी हाल बता देते हैं, जिसके जरिए विभागों में भ्रष्टाचार बेनकाब हो चुका है। लेकिन गुनाहगार सिर्फ एक के पकड़े जाने से भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सीतापुर की तहसील महमूदाबाद क्षेत्र की। 7 अगस्त को पहला ब्लॉक में तैनात ABSA सुरेंद्र प्रताप सिंह को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। बताते हैं कि इस दौरान ABSA की विजिलेंस टीम के साथ हाथापाई भी हुई थी। ABSA ने प्रधानाचार्य से 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। सवाल इस बात का है, बेसिक विभाग का यह भ्रष्टाचार जब बेनकाब हो गया तो क्या किसी ने यह जानने की जरूरत समझी कि सीतापुर के अन्य ब्लॉकों में क्या ऐसा नहीं हो रहा होगा। फिलहाल थोड़े दिन तक ABSA के पकड़े जाने से घूसखोर शांत हो गए होंगे, पर विभाग में अन्य जगहों पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर कौन नजर रख रहा होगा, इस सवाल का उत्तर शायद किसी के पास नहीं है। घूसखोरी की हद इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि जिले के अधिकारियों की नाक के नीचे स्थित ट्रेजरी ऑफिस में एक घूसखोर बाबू सैनिक से पेंशन बनवाने के एवज में 30,000 रुपये की घूस मांग रहा था। मजबूर होकर सैनिक को एंटी करप्शन विभाग में शिकायत करनी पड़ी। एंटी करप्शन की टीम ने आकर कोषागार ऑफिस में तैनात बाबू रमेश चंद्र को रंगे हाथ दबोच लिया। यह घूसखोर बाबू जहां से पकड़ा गया उसके आसपास ही जिले के आला हाकिमों के ऑफिस हैं, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं रहा। तभी तो वह डंके की चोट पर घूसखोरी कर रहा था। हाकिमों का हाल देखिए, सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करने का वह ढिंढोरा पीटने से नहीं चूकते हैं, मगर उन्हें ऐसे घूसखोर अधीनस्थ दिखाई नहीं देते। ना उनकी घूसखोरी सुनाई देती है और ना ही शिकायत करने वालों का उन पर विश्वास रहता है। अब जरा सीतापुर के कृषि विभाग का हाल बताते हैं। बात 23 सितंबर की है। प्रेमनगर स्थित कृषि विभाग के गोदाम में तैनात बाबू दिलीप सिंह को विजिलेंस विभाग की टीम ने कोरोना के रहने वाले नीरज कुमार
अवस्थी की शिकायत पर 8000 की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। घूसखोर या बाबू बीज विक्रय लाइसेंस बनवाने के नाम पर 13000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। कृषि विभाग के बाद सीतापुर की सदर तहसील का हाल बताते हैं। यहां तैनात लेखपाल वीरेंद्र बलिया को विजिलेंस टीम ने रिश्वत मांगने के आरोप में धर दबोचा था। शहर से सटे टेड़वा चिलौला गांव के रहने वाले मायाराम से लेखपाल वीरेंद्र बलिया ने जमीन पट्टा दिलाने के अवज में रिश्वत मांगी थी। तहसीलों में क्या होता है, यह वीरेंद्र बलिया के पकड़े जाने से बेनकाब हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ अकेले वीरेंद्र बलिया ही ऐसे हैं, और क्या गारंटी है कि कोई और नहीं होगा वीरेंद्र बलिया जैसा, और फिर इतनी वीरेंद्र बलिया की हिमाकत कैसे पड़ सकती है कि साहब की नाक के नीचे बेखौफ होकर वह भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हों। अब आपको सीतापुर के भ्रष्टाचार के उस मामले को बताने जा रहे हैं जिसे जिले के आला हाकिमों की नाक के नीचे से विजिलेंस टीम ने उजागर करके हड़कंप मचा दिया था। बात 2018 की है, योगी सरकार को बने अभी एक साल भी नहीं हुआ था। सीतापुर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी निहाल चंद्र को विजिलेंस की टीम ने घूस के 1,00,000 रुपए के साथ रंगे हाथ सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर से गिरफ्तार कर लिया था। जिस स्थान से निहाल चंद्र को विजिलेंस टीम ने पकड़ा था उस स्थान से मैच 50 मीटर दूर जिला अधिकारी का कार्यालय है। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग में बीएसए ऑफिस में तैनात एक और बाबू की। बीएसए ऑफिस में तैनात बाबू वकार खान को एंटी करप्शन की टीम ने 20,000 रुपए की रकम के साथ बीएसए दफ्तर के निकट से रंगे हाथों दबोच लिया था। बीएसए ऑफिस के बाबू वकार खान ने नियुक्त पत्र दिए जाने के नाम पर रुपयों की मांग की थी। यह मामला अगस्त 2018 का है। मामले में बरेरी निवासी लता कुमारी नियुक्ति पत्र पाने के लिए बीएसए ऑफिस के लगातार संपर्क कर रही थी। इसी बीच लिपिक वकार खान ने घूस की मांग करते हुए काम कराने का वादा किया था। जब यह बाबू पकड़ा गया तो उसने कहा वह अकेला नहीं है, यह मांग घूस तो ऊपर तक जाती है। उसने सीधे तौर पर एबीएसए को लेकर इशारा किया था लेकिन जिम्मेदारों ने नहीं सुना। आइए अब जानते हैं विजिलेंस टीम द्वारा अगस्त माह में सूबे में कितने घूसखोरों को रंगे हाथ पकड़ा गया। विजिलेंस टीम ने यूपी में विभिन्न विभागों के 16 अधिकारी व कर्मचारी घूस लेते रंगे हाथ पकड़े हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। विजिलेंस टीम ने सहारनपुर के ब्लॉक पुअरका के सीएससी प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर देशराज सिंह व ब्लॉक अकाउंटेंट संदीप शर्मा को 92,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। प्रोत्साहन राशि में कमीशन खोरी की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने अपना जाल बिछाया था और कार्यालय से 21,00,000 रुपये नकद भी बरामद किए थे। अब बात करते हैं पुलिस महकमे की। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से सरकार चलती है और सरकार के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर हैं, वहां भी रिश्वतखोरी का खेल पकड़ा गया। विजिलेंस टीम ने लखनऊ के माल थाने में तैनात दरोगा अमीन खान को मुकदमे से आरोपियों के नाम हटाने के लिए 30,000 की घूस लेते पकड़ा था। इसी क्रम में गोरखपुर व लखनऊ में दो अन्य दरोगा सुनील यादव व रामदेव गुप्ता अलग अलग मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट लगाने के बदले घूस लेते पकड़े गए थे। कर्मचारियों की कौन कहें, अधिकारी भी रिश्वत लेने के नाम पर ईमान बेचने में पीछे नहीं है। आगरा में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुरजीत सिंह यादव को एक ठेकेदार का भुगतान कराने के बदले 1,25,000 रुपए की घूस लेते हुए विजिलेंस टीम द्वारा पकड़ा गया था। इसी तरह फिरोजाबाद में 16 अगस्त को विद्युत उपकेंद्र डरबई के अवर अभियंता राम यज्ञ 10,000 रुपए घूस लेते पकड़े गए। हापुड़ में 17 अगस्त को लेखपाल विपिन थामाने को
50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। आगरा में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक राम प्रताप शर्मा को 3,00,000 रुपए घूस लेते दबोचा जा चुका है। कानपुर में 24 अगस्त को नगर निगम के कनिष्ठ लिपिक राजेश कुमार यादव को 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया। मिर्जापुर में 2 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग कर्मी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा 50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किए गए। हापुड़ में 7 सितंबर को नगर पालिका परिषद के अवर अभियंता 2,30,000 रुपए घूस लेते पकड़े गए। इसके बावजूद आम चर्चा है विभागों का भ्रष्टाचार बढ़ गया है, काम कराने का रेट घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। अब तो खुलेआम चर्चा करते हैं कि जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। पिछली सरकारों में जो काम जितने रुपए देकर हो जाया करता था उससे कई गुना ज्यादा उसी काम को कराने के लिए अब देना पड़ता है। यह तब है जब विजिलेंस टीम की छापामार कार्रवाई में तेजी आई है। फिर भी बेखौफी का आलम देखिए कि सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। विजिलेंस टीम को छापामार कार्रवाई में रंगे हाथ पकड़े गए घूसखोर दर्जन भर विभागों के हैं, जो दर्शाता है कि विभागों में चल क्या रहा है। फिलहाल यह तो चंद शिकायतें हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। बहुत से लोग तो शिकायत ही नहीं करते, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें विजिलेंस टीम में शिकायत करना नहीं आता। तो आइए हम आपको बताते हैं कि विजिलेंस टीम में शिकायत कैसे करते हैं। किसी सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत विजिलेंस के हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर सीधे की जा सकती है। शिकायत को गोपनीय रखते हुए विजिलेंस अपना जाल बिछाकर कार्रवाई करती है। तो दोस्तों, ये कैसी लगी रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अब आई इंडिया आपको ऐसे ही हर रोज एक स्पेशल खबर से रूबरू कराएगा, तो देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।